आओ आओ नाटक देखे आओ 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 काका देखो दादी देखो मुन्ना देखो मुन्नी देखो आओ आओ नाटक देखे आओ 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 नाटक देखे आओ आओ स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वागत है। अरे किसके स्वागत में नृत्य हो रहा है? तुम्हें नहीं पता क्या कि आज कौन आए हैं? कौन भाई? अरे वही जिनकी बात सब मानते हैं। कौन? जज साहब? अरे नहीं, जिनको सदियों से सब ढूंढ रहे हैं। कौन? एलियन? अरे नहीं भोले, आज हमारे यहाँ 4 लोग आए हैं। चलिए चलिए जल्दी बताइए आज किसका निर्णय करना है? हम बहुत व्यस्त हैं आज। अरे अरे क्यों रो रही हो भाई? और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चिट्टी है। मुझे घर में कोई बाहर खेलने नहीं जाने देता, मैं बहुत परेशान हूँ। गोरा रंग, हाइट 5 फीट 4 इंच, सर्वगुण संपन्न, खाना बनाने में भी माहिर। वाह, ये इश्तेहार तो काफी अच्छा है। देखा, शादी के लिए सबको गोरा रंग ही चाहिए और तू है कि लेप लगाती ही नहीं है। कैसी होगी तेरी शादी? अरे मम्मी भूख लगी है। चिट्टी, भाई को तूने अभी तक खाना नहीं परोसा? मम्मी मैं तो काम निपटा के खेलने गई थी, मैंने भी तो अभी तक कुछ नहीं खाया। अरे तो क्या, लड़कियां बाद में खाना खाती हैं, तूने मेरे से अभी तक कुछ सीखा नहीं? हाँ देखा क्या हो रहा है 21वीं सदी में भी, ऐसी जगह 4 लोग जरूर पहुंच जाते हैं। कहां गए 4 लोग? हम यहां हैं। और हम बता देते हैं कि इस लड़की में लड़कियों वाले लक्षण ही नहीं है। रोटियां बने गोल गोल, मुंह से ना निकले बोल बोल। रोटियां बने गोल गोल, मुंह से ना निकले बोल बोल। स्कूल तो भाई जाएगा, तुझे शिक्षा से क्या मिल जाएगा? तुम बदलो जग बदलेगा, समाज भी एक दिन बदलेगा। तुम बदलो जग बदलेगा, समाज भी एक दिन बदलेगा। तू जाग जाग, 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 तू जाग जाग। ऐसा होता है चिट्ठी जैसी कई बेटियों का बचपन। ताने सुन सुन अपना आत्मसम्मान खो जाता है। खाने पीने के भेदभाव से शरीर कमजोर हो जाता है। ऊपर वाले ने इंसान बनाया, इंसान ने भेदभाव। अब भी समझो, अब भी जागो, वरना रह जाएगा मलाल। अरे भाई पता है, बाल शोषण। अरे अरे चुप, हम भले समाज के लोग हैं, हम ऐसी बातें नहीं करते। अगर चाइल्ड अब्यूज के बारे में बात नहीं करी तो शोषण करने वाला बच्चे को डरा देता है। किसी को कुछ मत बताना, कोई तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा। अरे कितनी प्यारी बच्ची है, सबका कहना मानती है। अगर किसी को बताया तो तुम्हारी मम्मी पापा को नुकसान पहुंचाएंगे। देखो ये हमारे बीच का सीक्रेट है, किसी से कुछ मत कहना। किसी को कुछ मत बताना, अगर किसी को नहीं कहना। बच्चे डर जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता सही गलत। पर आपको तो पता है ना, चाइल्ड अब्यूज यानी बाल शोषण करने वाले कई बार घर के लोग या परिचित ही होते हैं। बात करें, बच्चों को सही गलत पहचान दे, बात करें, जाने उनकी मन की बात, विश्वास करें, बात करें, बात करें, बात करें। तू जाग जाग, 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 तू जाग जाग। कहाँ गए ये 4 लोग, अब कुछ बोलते क्यों नहीं? गलती तो लड़की की है। क्या? नहीं नहीं, मतलब गलती तो गुनाह करने वाले की है ना। अरे वो देखो,
उस तरफ एक पति पत्नी से माफी मांग रहा है। अच्छा, क्यों? ये कोई पुरुषों वाले काम है क्या? मतलब हाँ, वो पुरुषों वाले काम ही है। अब माफी तो कोई भी मांग सकता है ना। वैसे रत्ना और शिरीष की शादी हुए 10 साल हो चुके हैं और उसके घर की रोज की यही कहानी है। आहा, तू कतरी बढ़िया है, मारी सगली गलती ने माफ कर देवे है। अबे मैं थने कदीस नहीं मारू, प्रॉमिस। सही में अबे थे मने कदीस नहीं मारो। शाम का समय। ला रोटी रख। हाँ हाँ रखूं, पहले हाथ तो धोवो। या साग बनाई। और थने कसी साग नहीं मली, आखो दिन काम करन आऊ और असी साग तू अपने ने समझे काई है। ये हाथ उठाना और माफी मांगने का सिलसिला सालों से चल रहा है। हर बार रत्ना को लगता है उसका पति बदल जाएगा, पर हर बार होता यही है, बल्कि मार दिन पर दिन बढ़ती जाती है। अब आप बताइए रत्ना को क्या करना चाहिए। अरे पति जो बोले मानो। हाँ, थोड़ा बहुत तो हर घर में होता रहता है। गलती तो रत्ना की है। 4 लोगों के कारण ऐसी कितनी महिलाओं की आवाज़ दबा दी जाती है। आप बताइए जो हमें देख रहे हैं, रत्ना को क्या करना चाहिए। उसे अपने घर में बताना चाहिए। उसे तुरंत पुलिस की सहायता लेनी चाहिए। उसे शिरीष को छोड़ देना चाहिए, वरना बच्चों को भी डर लगता रहेगा। एक थप्पड़ की भी मार नहीं, ऐसे रिश्ते की लाज नहीं। एक थप्पड़ की भी मार नहीं, ऐसे रिश्ते की लाज नहीं। तू नारी है, तू शक्ति है, जो ठान ले वो कर सकती है। तू नारी है, तू शक्ति है, जो ठान ले वो कर सकती है। तू जाग जाग, 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 तू जाग जाग। चिट्ठी ने जब अपने दिल का हाल बताया तो उसकी माँ को समझ में आया कि लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए, और यहीं से समाज में अंतर आया। बच्चों ने माता पिता से बात की और माता पिता ने बच्चों से, सही जानकारी से बच्चों को सशक्त बनाया और यहीं से समाज में परिवर्तन आया। रत्ना ने अपने माता पिता को सब कुछ बताया, अपने डर को भगाकर अपने जीवन में बदलाव लाया और यहीं से समाज में परिवर्तन आया। आप सोच रहे होंगे इन 4 लोगों की आवाज क्यों नहीं आ रही, क्या कोई तकनीकी खराबी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि खराबी तो अब सही हुई है। हम सब इन 4 लोगों को इसीलिए नहीं सुन पा रहे क्योंकि हम सब ने अब इनको सुनना बंद कर दिया है। अब इनकी आवाज़ गलत निर्णय नहीं कराएगी। अब इनकी बातें सुनकर किसी की जिंदगी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि जब इनकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी तब दिल की आवाज़ सुनाई देगी। आइए हम ऐसा समाज बनाएं जहां बचपन से बुजुर्ग अवस्था तक नारी अपनी बात कह पाए। आइए हम वो लोग बने जो नारी पर अत्याचार नहीं सहें। आइए एक दूसरे का हौसला और हिम्मत बने। हम जाग चुके हैं, 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 हम जाग चुके हैं।